एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जो आज आपको दहला देगी। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ये वो खबर है जो आपके रोंगटे भी खड़ी कर देगी। आपको यकीन नहीं होगा कि ये खबर दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक शहर की है। राजस्थान का अलवर ये शहर है और उसके आसपास के इलाके हिंदू विहीन होते जा रहे हैं। ये बड़ी खबर राजस्थान के अलवर से है जहाँ पर हिंदू महफूज नहीं है। न्यूज नेशन की बड़ी पड़ताल में ये सच सामने आया है और ये सच आज आपको दिल और दिमाग खोल कर देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। अलवर में हिंदू बच्चियों के साथ घिनौनी हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई मंदिरों पर कब्जा वहां पर किया गया है, मस्जिदें बना दी गई हैं, धर्म नहीं बदलने पर लोगों की हत्याएं की गई हैं, आरती और घंटी बजाने पर मंदिरों पर हमले किए गए हैं। यानी मंदिरों में आरती करना और घंटियां बजाना पूजा पाठ के दौरान एक तरह से पाबंदी जैसी स्थिति। कई गांवों में हिंदू आबादी नाके बराबर रह गई है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मंदिरों पर कब्जा किया गया है, आरती अगर वहां पर की जाती है, अगर घंटियां बजाई जाती हैं, अगर शंख बजाए जाते हैं तो ऐसा करने पर मंदिरों पर हमला किया जाता है। वहां पर पूजा पाठ करने की मनाही है। मजबूरी में लोग अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं लेकिन डर और दहशत के साए में। दूसरी तस्वीर है, हिंदू बेटियों पर जुल्म हो रहा है। वो घर से बाहर निकलने पर असुरक्षित महसूस करती हैं कि कब कोई आकर उन्हें छेड़ दे, उनके साथ किसी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दे। हिंदू विहीन होते जा रहे हैं ये गांव अलवर और भरतपुर, यानी राजस्थान का जो मेवात का इलाका है। राजस्थान के भरतपुर जिले के भंडारा गांव में 400 साल पुराने शिव मंदिर पर कब्जा कर लिया गया। भंडारा गांव का शिव मंदिर अब इतिहास बन गया है, उसे मस्जिद में मिला लिया गया है और वहां मस्जिद का निर्माण हो रहा है। यहाँ के हिंदू समाज के लोगों ने काफी उसका विरोध किया, चूंकि अब वो अल्पसंख्यक हैं, बहुत कुछ कर नहीं सकते, तो उनके आंख के सामने ही उनके मंदिर पर कब्जा कर लिया गया और मस्जिद बना दिया गया। अब ये लोग इतने दुखी हैं, शोक संतप्त हैं कि जो एक मंदिर था वो भी निकल गया हाथ से। यहाँ हिंदू बहुत कम है, 1000 घर से ज्यादा मेवो मुसलमानों का है और उसके मुकाबले हिंदू यहाँ इतने कम है कि अगर प्रतिशत बताई जाए तो 8-10% से ज्यादा यहाँ हिंदू नहीं है। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि ये लड़ सकें, अपने मंदिर के लिए संघर्ष कर सकें। कानून का सहारा जरूर ले सकते हैं लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है। इस भंडारा गांव के तमाम बुजुर्ग लोग और यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि ये मंदिर कब से था, कितना पुराना था, कब कब्जा हुआ, कैसे कब्जा कर लिया गया। आपका शुभ नाम क्या है? ग्यासी राम जी। ये जो मंदिर है था ये कितना पुराना था? ये सब हमारे बाप दादाओं पर दादाओं के सामने से चला रहा है, जब पुराना मंदिर, और मैं मेरी उम्र भी 75 साल की हो गई। इसमें सेवा पूजा करते रहे हम। अब साहब मुसलमानों ने मतलब ये मंदिर मतलब ये खराब कर दिया, बनाने नहीं दिया और सेवा पूजा नहीं करने देते। अच्छा। हाँ जी, हमारी जनसंख्या बहुत कम है जी, अल्पसंख्यक में हमको नाजायज मतलब ये सताते हैं और मंदिर पर कब्जा कर लिया इन्होंने। अच्छा, तो मस्जिद बना रहे हैं वहाँ? मस्जिद बना रहे हैं, जो मस्जिद बना रखी है उस पर मतलब मस्जिद में मिला रहे हैं उसको। अच्छा, मस्जिद में मिला लिया, मैंने देखा कि उसको। जी हाँ, मिला लिया जी। और इस सच को आज देश को सुनना समझना चाहिए कि आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं। राजस्थान के मेवात जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसका दहलाने वाला खुलासा हुआ है अलवर जिले के रामगढ़ में। यहाँ 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा से 1.5 साल तक छेड़छाड़ की गई। मेव मुसलमानों ने बच्ची से बलात्कार भी किया। इस बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया। मुसलमानों ने घर से इस लड़की को उठाकर ले जाने की कोशिश की तो तंग आकर लड़की ने 18 जून को कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश भी की। मामला पुलिस में पहुंचा तो परिवार पर दबाव बनाया गया कि आप समझौता करिए। 23 जून को लड़की के पिता की हत्या कर दी गई। शव को जंगल में पेड़ से टांग दिया गया। इंसाफ तो चाहिए, हिम्मत तो करनी पड़ेगी एक तरह से, पर इस समय ना मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ना मैं पापा को खो चुकी हूँ। कोई भरोसा नहीं कि मेरे भाइयों तक की मुसीबत बन जाए। अब तक मैं मजबूत हूँ बयानों पे, लेकिन आगे पता नहीं, क्योंकि धमकियां तो अब भी है हमारे पास। कहा गया है कि 1 लाश बिछ गई, आगे जाने कितनी लाश बिछ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। ना मुझे ना 1.5 सालों में मुझे इतना घुटन कर दिया उन्होंने, मेरे अंदर ना मुझे खुद को घुटने पर मजबूर कर दिया उन्होंने। सर उन्होंने बहुत, मैंने सोचा नहीं था कि मैं अब तक चुप थी, क्योंकि अपने परिवार के लिए जिस दिन इंसाफ मांगा तो देखो मेरे पिताजी का क्या हाल कर दिया उन्होंने।